हेलो एंड वेलकम टू मार्केट टेक्निकल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस स्टेज पे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये सब आप निफ्टी के रियल टर्म चार्ट्स पे सीख सकते हैं मार्केट टेक्निकल्स के साथ, क्योंकि मैं आपको रियल टर्म चार्ट्स के साथ आपको बताती हूँ ताकि किस तरह से वो कैंडलस्टिक पैटर्न अनफोल्ड होती है, उसके बाद किस तरह का आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, वो सब आप रियल टाइम चार्ट्स पे देख सकते हैं और अपनी प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मार्केट टेक्निकल्स पर नए हैं और ये सब सीखना चाहते हैं तो मार्केट टेक्निकल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ। सो आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है वो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं, इसकी जो बॉडी होती है वो उसके अपर एंड पे होती है और स्मॉल होती है, और जो उसकी लोअर शेडो होती है वो काफी बड़ी होती है। सो इस तरह का ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, ये बेसिकली एक हथौड़ी की तरह दिखता है, जहाँ पे उसकी अपर बॉडी अपर साइड पे होती है और नीचे उसकी लोअर शेडो होती है। सो ये पैटर्न बेसिकली एक इंडिसाइसिव पैटर्न है, एक इसे बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है, और ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और ये पैटर्न जो फॉर्म हुआ है अपने लाइफ टाइम हाईस पे फॉर्म हुआ है, तो इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, सो बेसिकली एक कॉशन करता है, एक सिग्नल करता है कि यहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिली है। और कई बार ये जो पैटर्न है कंटिन्यूशन की तरह भी काम करता है। कंटिन्यूशन पैटर्न्स मींस कि पहले का जो ट्रेंड है वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद भी आपको देखने को मिलता है। सो ये बेसिकली कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहलाता है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इस पैटर्न को एज अ रेंज की तरह क्रिएट करेंगे, और जिस भी तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उस निफ्टी का ट्रेंड उसी तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। सो आज की जो रेंज हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलती है वो मिलती है 10,655 से 10,590 की। तो इन दोनों लेवल्स को हम मार्क कर लेंगे। सो ये दोनों लेवल हमने मार्क कर लिए हैं। तो जब तक निफ्टी इस रेंज में रहता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो निफ्टी में ट्रेंड है वो रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप पिछली सेशन की कैंडल देखें तो वो एक स्पिनिंग कैंडल थी, और स्पिनिंग कैंडल भी एक इंडिसाइसिव कैंडल है जो बेसिकली बुल्स और बियर्स की फाइट दर्शाती है। सो पिछले दो सेशन की जो कैंडल्स बनी है वो इंडिसाइसिव कैंडल्स बनी है, जो बता रही है कि जो पिछले तीन सेशन से हमें केवल बाइंग देखने को मिली थी, इस स्टेज पे यहाँ पे सेलर्स भी आ चुके हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे आपको इस रेंज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी तरफ ब्रेकआउट आएगा उसी तरफ निफ्टी का आगे का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सो इस कैंडल से आपको बेसिकली सपोर्ट मिला और रेसिस्टेंस भी मिला। आप फर्दर सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह जैसे पिछले सेशन में यहाँ पे गैप क्रिएट होता हुआ नजर आया था। सो ये गैप एरिया भी एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, तो ये गैप एरिया आप मार्क कर सकते हैं। ये करीब करीब जो आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10,550 से 10,560 का, ये इसका फर्दर सपोर्ट है। और तो कल के लिए आप जो लेवल्स ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे 10,655 से 10,590 का। तो आपने देखा कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, और उनके बेसिस पे आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा डिस्क्लेमर है, ये कोई भी एडवाइस नहीं है इंडेक्स में बाय और सेल करने की। आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर सलाह करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।